वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं होंडा WRV iVTEC के बारे में। इस कार में जो इंजन यूज होंडा कंपनी यूज करती है, ये करती 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। तो आज मैं इसका आपको ओनरशिप रिव्यू देने वाला हूं। सबसे पहले आप लोग इसकी डे टाइम रनिंग लाइट्स को देख लीजिए, जो कि उस टाइम वाले मॉडल में आती थी, और बीच में ये क्रोम की ग्रिल आती थी, और इस साइड में ये राइट साइड की हेडलाइट है। अब उसके बाद हम लोग इसके इंजन की बात करते हैं। तो इसमें जो इंजन जो ये मिलता है होंडा इसमें जो इंजन मिलता है वो होंडा iVTEC का 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है। और ये यहाँ पर इसकी ABS की यूनिट है, ये यहाँ पर इसका ब्रेक फ्लूइड डलता है, और यहाँ ये नीचे में इसका कूलेंट डलता है, और ये इसकी एयरबॉक्स असेंबली है। थोड़ी सी कार के इंजन ब्रेक की कंडीशन अभी थोड़ी सी बुरी है, लेकिन माइंड मत कीजिएगा, वैसी तो कंडीशन रहती ही है इंजन बेस की। ये मतलब वही पेट्रोल इंजन है जो होंडा ब्रियो, होंडा अमेज, होंडा रेज और होंडा WRV, ये चारों कार में सेम ही इंजन आता है। सिर्फ चारों इंजन को रिट्यून कर दिया जाता है उनके पावर के अकॉर्डिंग। अब हम लोग इंटीरियर से बात करते हैं। एक्सटीरियर में अगर बात करें तो ये मेरा ये S मॉडल था, S में H+ एडिशन था। H+ एडिशन उस टाइम ये एडिशन S मॉडल पर आया था। तो इसमें जो एडिशनल मिलते थे वो 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते थे, और टायर साइज था 195/60R16। 16 इंची के रिम और टायर मिलते थे इसमें, और मैनुअली एडजस्टेबल और फोल्डेबल ORBM मिलते थे, और फेंडर पर ही इंडिकेटर मिला करते थे उस टाइम में। और ब्रेजा का भी जो मिड वेरियंट था उसमें भी यहाँ फेंडर पर इंडिकेटर्स मिलता था ZXI मॉडल तक। अब हम लोग अंदर जाते हैं। तो कार के अंदर तो ये कुछ ड्राइवर साइड की डोर ट्रिम है, जिसमें ऑल फोर पावर विंडोज लॉक करने के लिए एक विंडोज लॉक अनलॉक करने के लिए बटन दिया हुआ है। अगर इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर येलो लाइट चल जाएगी, और इसे अनप्रेस करेंगे तो ये लाइट हट जाएगी। यहाँ से डोर को लॉक और अनलॉक कर सकते थे, और ये यहाँ पर मिरर को एडजस्ट करने के लिए राइट वाले को लेफ्ट वाले को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जॉयस्टिक है, मतलब जिधर के आप मिरर के तरफ आपने इंडिकेट किया उस साइड के मिरर को ये एडजस्ट करेगा। और ये कुछ इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पर एक छोटी सी स्पेस मिलती थी, इसके अंदर आप एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक या कैन रख सकते हैं, जो कि एसी की जो हवा आती रहती है उससे वो कैन ठंडा होते रहे। और ये कुछ इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, ये यहाँ पर स्पीडोमीटर, ये यहाँ पर टैकोमीटर, और ये यहाँ पर ट्रिप मीटर दिया हुआ है। ये कार जो अभी एवरेज शो कर रही है 13.4 KMPL की कर रही है, और यही अगर ये रहती क्या कहते हैं डीजल कार रहती होंडा WRV, तो इसका जो सिटी का एवरेज है वो 18 km/L का है, डीजल में जैसा 1.5 लीटर वाला इंजन आता है। उसके बाद ये कुछ इसके AC वेंट्स हैं, और ये इसका म्यूजिक सिस्टम है कंपनी फिटेड डबल डिंग का। आप लोग को अच्छा लगा होगा इसकी म्यूजिक क्वालिटी। यहाँ नीचे में मैनुअली एडजस्टेबल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता था, और यहाँ से मतलब बाहर की हवा आपको अंदर चाहिए कि अंदर की हवा अंदर ही रहने दीजिए। और यहाँ पर AC का बटन मिलता था, और यहाँ पर डिफॉगर का बटन मिलता था, और ये कार आती थी 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और ये यहाँ पर आगे में दो कप होल्डर्स, और यहाँ पर छोटा सा स्पेस मिल जाता था, यहाँ नीचे में आप पिन ड्राइव लगा सकते थे, और यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिलता था, और इसके हर डोर में बोतल पॉकेट्स मिलती थी। अब इस सीट को मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ चलिए, मैंने इस सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अब देखते हैं कितना लेग रूम मिलता है। लोग देख सकते हैं ये सीट पूरी पीछे है, उसके बाद आप लोग लेग रूम देख सकते हैं कितना ज्यादा लेग रूम मिल रहा है इसमें। उसके बाद यहाँ से कुछ सेंट्रल कंसोल ऐसा दिखता है देखने में, और यहाँ नीचे में भी पॉकेट मतलब स्टोरेज कंपार्टमेंट दिए हुए हैं, जिसके अंदर आप लोग सामान रख सकते हैं, और साइड साइड में बॉटल होल्डर्स दिए हुए हैं। और इस कार में
फोर स्पीकर का म्यूजिक सिस्टम आता है, जो इसका टॉप एंड वेरियंट था उसमें क्या कहते हैं ट्विटर्स दो ऐड हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग सनवाइजर की बात करें तो किसी भी सनवाइजर पे वैनिटी मिरर या टिकट होल्डर नहीं मिलता है, जो दोनों सनवाइजर है वो दोनों नॉर्मल सनवाइजर मिलते हैं। और यहाँ पर रिवर्स कैमरा के लिए स्क्रीन लगी हुई है, अगर हम लोग रिवर्स प्रेस करते हैं तो यहाँ पर बैक कैमरा स्टार्ट हो जाता है। एक मिनट में दिखा दूँ, तो ये आप लोग रिवर्स कैमरा देख सकते हैं, ये रिवर्स कैमरा मतलब रिवर्स गियर लगाने के बाद ऑन हो गया है। तो इसमें यही रहता है, ये गाइडलाइन सिर्फ दिखती है, इस गाइडलाइन में ये नहीं रहता है कि जिस साइड आपने हैंडल मोड़ा स्टेयरिंग मोड़ा उस साइड इसकी गाइडलाइंस मतलब नहीं जाती, ये मतलब नॉर्मल सीधा सीधा कैमरा रहता है। ठीक है, और एक मिनट चलिए इस कार में देखते हैं बूट स्पेस कितना मिलता है। अब देखते हैं इसमें कितना बूट स्पेस मिलता है। तो इसमें जो बूट स्पेस कंपनी जो प्रोवाइड करती है वो हमें 365 लीटर्स का बूट स्पेस कंपनी देती है। और इसके नीचे में इसका स्पेयर टायर रहता है और उसके ऊपर एक क्या कहते हैं इसकी एक मोटी सी ये क्या कहते हैं थर्माकोल की एक मोटी सी सीट दी हुई है, जिसके अंदर सारे स्टेपनी के क्या टूल्स रखे हुए रहते हैं। और जो टायर मिलता है वो हम लोगों को स्थिर से मिलता है, और वो भी 16 इंचेस का। इसमें स्पेस सेबल टायर का नहीं यूज़ किया है कंपनी ने। और ये कुछ होंडा WRP की बैजिंग, नॉर्मल सी टेल लाइट मिलती थी। ये कार पेट्रोल है, तो यहाँ पे पेट्रोल का स्टिकर H+ एडिशन। एक बार आपको इस कार का वॉक अराउंड दे देते हैं। एक मिनट, ये कुछ फ्रंट से लुक है, ये कुछ इसकी ऊपर में एंटीना से लुक है, साइड में जो रूप रेस मिलता है ये इसको कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट SUV थोड़ा सा SUV वाला फील दे देता है। और ये कुछ साइड से इसकी लुक है। इसमें जो सबसे खास बात क्या है ना कि इसमें आपको जो साइड में जो एक मिनट आपको ऐसे कर जैसे ये साइड में देख सकते हैं, साइड में मतलब क्वार्टर ग्लास की कमी कंपनी ने नहीं की है। जैसे यहाँ पर एक क्वार्टर ग्लास दे दिया, यहाँ पर दो ग्लास हो गया, और यहाँ साइड में भी एक छोटा सा क्वार्टर ग्लास दे दिया, जिसके कारण जो कार की जो साइड प्रोफाइल की लुक है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है। और उसको इन्हेंस और करता है ये जो साइड क्लैडिंग के साथ जो एलॉय व्हील्स आता है, ये कहीं ना कहीं इसकी लुक को और ज़्यादा मतलब बढ़ा देता है। और इस कार में रेयर डिफॉगर मिलता है, और रेयर डिफॉगर वाली गाड़ी में एक काम कभी मत करवाइएगा, वो है अंदर से फिल्म मत चढ़वाइएगा। अंदर से फिल्म चढ़वाने के कारण ये जो इसका जो ये मसाला रहता है, ये जो लाइंस रहती है, बाद में जब इस फिल्म को मतलब हटाया जाएगा तब ये जो पूरा डिफॉगर वाली लाइंस नहीं रहती है, ये पूरी डिफॉगर वाली लाइन ख़राब हो जाएगी और आपको ये ग्लास को फिर चेंज करवाना पड़ेगा। तो जब भी मतलब डिफॉगर वाली अगर आपकी कार है तो मतलब आगे से ही क्या कहते हैं फिल्म चढ़वाया करें। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।